दिल्ली किसानी संघर्ष हर वर्ग दे इंसान दे वल्लों अपना योगदान किसानां दी हिमायत दे विच पाया जा रहा है। गल करिए तां अमृतसर तों 70 साला बुजुर्ग माता अवतार कौर जी दे वल्लों भी किसानी संघर्ष दीआं झंडियां बना के अपना योगदान पाया जा रहा है। गलबात करदे आ माता अवतार कौर ने दस्सिया कि उह शारीरिक तौर ते दिल्ली किसानी मोर्चे च नहीं जा सके, लेकिन रूह अज भी उन्हां दी दिल्ली किसानी संघर्ष दे विच ही है। उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने परिवारिक मैंबर अज भी दिल्ली संघर्ष किसानी मोर्चे च मौजूद ने, लेकिन जदों परिवारिक मैंबरां नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि उत्थे किसानी संघर्ष दीआं झंडियां दी कमी है, जिसके चलदे उन्होंने वालों अमृतसर दे विच अपने घर के अंदर ही परिवार का सहयोग नाल लैके किसानी संघर्ष दीआं झंडियां बनाउण दी शुरुआत की गई अते झंडियां बना के वह किसानां नूं फ्री सेवा दे रहे हैं। बुजुर्ग माता का कहना है कि जिन्नी देर तक किसानी मोर्चा चलेगा उन्नी देर तक किसानां दी हिमायत च उह अपना योगदान पाउंदे रहणगे। झंडियां बना रहे हैं असीं भी, बेटा मेरा गया सीगा ते संघर्ष ते पोता भी गया सीगा, उत्थे उन्होंने फोन किया भी इत्थे ना दादी जी सानूं झंडियां दी बहुत शॉर्ट आउण डई सारे लोकां नूं ते महंगियां भी बड़ियां देंदे ते कपड़ा बड़ा माड़ा है, तो तुसीं इह कम कर सकदे जे? मैं कहा हाँ मैं कर सकदी हाँ, ते इह कपड़ा लै आंदा ते सीनियां शुरू कर दित्तियां। खुशी सानूं तो बहुत खुशी मिलदी, तैनूं परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे, अही यह कम करी जाइए। अही तो अही फोन पर सानूं दस देंदे लोग इन्नियां सानूं झंडियां चाहिए तो घरों आण के लै जांदे आ, तो हुण साडे छापण खुण थोड़े कम खलोता पिछे छाई आउण वाली आ ते छाप के ते जिन्हों जिन्हों जिन्हें लोड़ वो ले जाणगे, कोई गल ही नहीं, कहण कही जाण, अतवादी नहीं हैगे ते, पर जे उन्होंने बनाउणा ते फिर बण के विखाउणगे, फिर कोई ना कुछ तो करना पैना ही आ अपने संघर्ष वास्ते, सारे लोग लड़ते आ। हाँ हाँ, उन्होंने तो कहना ही भी साढ़े को हक ना मंगण तो इन्हों जो मर्जी तुम तो लाई जाइए। फिलहाल 70 साल बुजुर्ग के जज्बे को दिलों सलाम, तो उम्मीद करते हैं कि लगातार इस तरह की सेवा होर भी लोग करते नजर आएंगे ताकि किसानी संघर्ष को होर भी हौसला मिल सके। अमृतसर तो गुरप्रीत राजपूत की रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी टीवी।